नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे ट्रावणकोर रियासत की कहानी। केरल की ट्रावणकोर रियासत भारत की सबसे अमीर और प्रोग्रेसिव रियासतों में से एक हुआ करती थी। ट्रावणकोर रियासत भारत में इतनी फेमस है क्योंकि ट्रावणकोर का जो राज परिवार है उसकी कहानी जुड़ी हुई है जो तिरुवनंतपुरम का जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उससे। जो ट्रावणकोर के जो राजा थे वो अपने आप को श्री पद्मनाभ दास या श्री विष्णु के दास मानते थे और अपनी रियासत उन्हीं के नाम पे चलाई जाती थी। और कुछ साल पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि इस मंदिर में बहुत ही अरबों रुपए का खजाना प्राप्त हुआ जो ट्रावणकोर के ही राजाओं ने इस मंदिर को डोनेट किया था, तो इसकी वजह से पूरे भारत भर में ट्रावणकोर रियासत को लेकर एक काफी रुचि है, एक दिलचस्पी है और इसी को हम डिकोड करेंगे आज की रियासत में। केरल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2000 साल से एक व्यापार का केंद्र रहा है और उसका कारणवश ये है कि पुराने जमाने में, जैसे हम जानते हैं कि रिफ्रिजरेशन मेथड्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं पाए जाते थे और अगर आपको खाने को प्रिजर्व करना है पूरी दुनिया भर में तो आपको जो एक लॉन्ग मिर्चा बोलते हैं लाइक पेपर, तो वो इस्तेमाल किया जाता था। आज हम जो मिर्च बोलते हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च, ये काफी बाद में आए, जैसे कि साउथ अमेरिका, जब कोलंबस ने साउथ अमेरिका को डिस्कवर किया तो वहां से आए, पर उसके पहले अगर आपको आपके खाने में कुछ तीखापन चाहिए होता था तो आपको पेपर की जरूरत पड़ती थी और दुनिया का सबसे फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ पेपर पाया जाता था वेस्टर्न घाट्स में और स्पेशली जो केरला का जो मलबार क्षेत्र है और दक्षिण का जो ट्रावणकोर क्षेत्र है उस रीजन में। तो इस कारणवश ऑलमोस्ट 2000 सालों तक, जैसे कि रोमन ट्रेडर्स हो गए, उसके बाद अरब ट्रेडर्स हो गए, ये सब केरला आते थे व्यापार के लिए और एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। अब इतिहास में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि बहुत, मतलब ऑलमोस्ट 2000 साल पहले और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे चेरा साम्राज्य का राज हुआ करता था और फिर आगे चल चल के जैसे कि 12वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी तक आते वक्त ये चेराक साम्राज्य खत्म हो गया। और जब चेराक साम्राज्य खत्म हो गया तब यहाँ पर छोटे छोटे अपने अपने राज्य बनने शुरू हुए और ये जो राज्य थे वो बहुत ही छोटे, मतलब एक एक, जैसे बोलते हैं ना, एक दो गांव के राज्य हो, छोटे जमींदार हो, पर एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज हम बोल सकते हैं उन्हें। और उस समय कैसा था कि जो सेंटर ऑफ जो पावर और सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी था वो था कैलिकट, जो उत्तर, जो मलबार क्षेत्र में आता है, मलबार रीजन ऑफ केरला में आता है। और उस कैलिकट के या कोझिकोड जिसे अभी कहा जाता है उसके राजा थे जामोरिन, जामोरिन कहा जाता था। तो अगर आप देखें जब वास्को डा गामा 15वीं शताब्दी के अंत में जब भारत पहुंचे तो वो, उन्होंने अपना जो बेस है वो कैलिकट में ही स्थापित किया और आगे भी कई, मतलब कई समय तक जो व्यापार था, जो एक इवन सोशल और जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज था केरला में, वो जो कैलिकट के जो राजा थे जामोरिन उन्हीं के पास था। उस समय जो केरल का दक्षिण का भाग था, जो आगे चल के त्रावणकोर रियासत बना, वो छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको कहा, प्रिंसिपैलिटीज या जागीरों में बटा हुआ करता था और एक राज परिवार था कूपक, जिसे बोला जाता है कूपक राज परिवार या आय राज परिवार। तो ये जो परिवार था उसके छोटे छोटे शाखाएं थी और अलग अलग गांव पर राज किया करती थी, जिसमें से सबसे प्रमुख थी कोलम। नाउ कोलम जो था, जिसे क्विलोन भी कहा जाता था कॉलोनियल काल में,
तो कोलम जो था वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो उसकी वजह से उस जो कोलम शाखा जो उस राज परिवार की थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी। और इस कोलम राज परिवार का एक, जैसे हम बोलते हैं ना भानेज, जैसे राजस्थान में भानेज कहा जाता है, या एक डिस्टेंट रिलेटिव, दूर के रिश्तेदार कहा जाते हैं, वो तिरुवंकूर करके एक विलेज है जो आई थिंक अभी कन्याकुमारी जिले में आता है, पर उस समय केरल में हुआ करता था। तो बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी के पास ये तिरुवंकूर करके एक गांव थी, और इसी तिरुवंकूर गांव से जो शाखा निकली और जिसने अपना फिर आगे चल के राज्य बनाया, वो चल के फिर अंग्रेजों ने उसे ट्रावणकोर राज नाम दिया, और 1947 तक उसे ट्रावणकोर ही कहा जाता था। तो ये जो तिरुवंकूर शाखा थी उस परिवार की, तो उसका इतिहास बदलना शुरू हुआ अराउंड 1700s के बीच में, लाइक 1720s में, जब एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा मार्तंड वर्मा करके, उन्होंने अपने जो उनकी जो एक छोटी सी जो एक जागीर हम बोल सकते हैं या प्रिंसिपैलिटी हम बोल सकते हैं, उन्होंने अपने जो रिश्तेदारों के जो छोटे छोटे राज्य थे वो कैप्चर करके एक बड़ा राज्य बनाने में, मतलब एक शुरुआत की कि एक के बाद एक वो निगलते चले गए राज्यों को। अब उस समय कैसे था कि देखिए, ये जो पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आई मीन इतिहास में हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते वो कितना पुराना है। वो डिस्ट्रॉय हुआ, फिर से बना, डिस्ट्रॉय हुआ, फिर से बना। तो 1720s और 30s का जो समय था, तो तब कैसा होता था, ये जो मंदिर था वो बहुत ही पावरफुल था और उसकी काफी जमीनें होती थी, लाइक काफी सोशल पावर होती थी, और एक वहां पे सिस्टम चलता था कि जो 8 लॉर्ड्स होते थे, जो आसपास के जमींदार, वो उस मंदिर के रखवाले होते थे, और इनडायरेक्टली ये जो काउंसिल ऑफ 8 लॉर्ड्स हैं वो, बिकॉज वो मंदिर को कंट्रोल करते थे, मंदिरों की जमीनों को कंट्रोल करते थे, मंदिर के संपत्ति को कंट्रोल करते थे, उस पूरे क्षेत्र में उनका एक वर्चस्व होता था। अब मार्तंड वर्मा को ये रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाना है केरल के दक्षिणी भाग में, तो उन्हें एक तो मंदिर को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा और दूसरा ये जो 8 लॉर्ड्स हैं उनकी पावर को खत्म करना पड़ेगा। और उस समय ना, जैसे कि आई मीन भारत के इतिहास में हमेशा होता आया है कि आपको सबसे ज्यादा विरोध आपके घर वालों से और आपके रिश्तेदारों से ही होता था, तो मार्तंड वर्मा ने पहली चीज ये की कि अपने एक तो अपने सारे रिश्तेदारों की जो शक्ति है उसको खत्म की, और दूसरा जितने भी ये जो सामंत थे, जो नोबिलिटी थी, उसको खत्म कर दिया, उनकी सारी जो जागीरें थी वो जब्त करवा ली, उनको बंदी बना दिया गया। और उसी तरह से उन्होंने इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर को और ये जो उसके जो 8 लॉर्ड्स, जो 8 सामंत जो उसके रक्षक थे, उनकी पूरी पावर को खत्म कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ट्रावणकोर का राज्य है, मार्तंड वर्मा का राज्य है, वो बहुत पावरफुल बना, और स्लोली स्लोली मार्तंड वर्मा स्टार्टेड टेकिंग ओवर ये जो बंदरगाह थे जिसके साथ पोर्चुगीज, डच ये लोग ट्रेड करते थे, वो उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। अब 1740s में क्या हुआ, उस टाइम पोर्तुगाली तो थे ही पर वो उत्तर में थे, ये जो डच जो थे, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसे भी जो समृद्धि है केरला की, जैसे कि पेपर हो, स्पाइसेस हो, बाकी चीजें हो, उस पर कब्जा करना था। पर उनको ये डर लगने लगा कि अगर ये मार्तंड वर्मा बहुत शक्तिशाली हो गया तो हम इस एरिया को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी, उस समय श्रीलंका जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था, तो श्रीलंका से लेकर यहाँ वहां से लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज कोलाचल में, जो तट पे स्थित है, केरल के तट पे ही स्थित है, वहां पे उतारी, और 1741 में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई मार्तंड वर्मा और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में, और इस बैटल ऑफ कोलाचल में डच की एक बहुत बड़ी हार हुई। अब ये बैटल ऑफ कोलाचल एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है भारत के इतिहास में, क्योंकि
पहली बार, मतलब ऑलमोस्ट पहली बार एक भारतीय ताकत ने यूरोपियन टेक्नोलॉजी, एक यूरोपियन पावर विद लेटेस्ट आर्म्स एंड एमिनेशन और टेक्नोलॉजी को हराया था। उसके बाद जो डच है उन्होंने प्रॉमिस किया कि मार्तंड वर्मा को कि हम आपको आपको सपोर्ट करेंगे और आपके राज को मतलब आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। और उसके बाद डच लोगों ने ट्रावनकोर में इंटरफियर नहीं किया। उनका जो केंद्र था वो कोचिन, जो उत्तरी, जो ट्रावनकोर के सिर्फ उत्तर में जो राज्य था, जहाँ पे वो भी एक बड़ा बंदरगाह था। और इनफैक्ट ट्रावनकोर के सबसे बड़े शत्रु तो कोचिन के राजा ही थे, तो वहां पे उन्होंने अपना बेस बनाया। 1750 में मार्तंड वर्मा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग निर्णय लिया। उन्होंने ये डिक्लेयर किया, उन्होंने अपना जो राज्य है वो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, जो श्री पद्मनाभ स्वामी भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी जितने भी मेरे वंशज इस राज्य पर राज करेंगे, वी विल बी द कस्टोडियंस, हम सिर्फ आपके मुख्तियार होंगे या मैनेजर होंगे, और हम श्री पद्मनाभ दास होंगे। और दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप देखिए ना, तो एक इंटरेस्टिंग आइडिया था। बिकॉज आप ये बता रहे हो कि अरे ये तो, ये जो राज्य है वो भगवान का है, श्री विष्णु भगवान का ये राज्य है, ये तो हमारा राज नहीं है, हम तो सिर्फ कस्टोडियंस हैं। तो उसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि जो हिंदू धर्मीय थे तो उसका एक ऑपोजिशन कम हो गया। बिकॉज आपको एक डिवाइन पावर मिल गया, आप जब खुद को श्री पद्मनाभ दास बताते हो तो ऑब्वियसली लोग आपको उतना अपोज नहीं करेंगे। और मार्तंड वर्मा के साथ ही और इस रियासत को श्री पद्मनाभ के स्वामी को अर्पण करने के साथ ही ट्रावणकोर रियासत की, वैसे हम कह सकते हैं, एक शुरुआत हुई। मार्तंड वर्मा के निधन के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे कार्तिक थिरुनल, जो बहुत ही रिलीजियस थे और वो भी हिंदू धर्म को पालते थे, धर्म शास्त्रों को पालते थे, और इसीलिए ज्यादातर इतिहास में उन्हें धर्मराजा के तौर पे जाना जाता है। अब जो धर्मराजा थे उनको एक प्रॉब्लम थी, और वो थी कि उनके जो उत्तर में और अप द प्लेन्स एक ताकतवर एक राज्य जो स्थापित हुआ था, जो उन्हें बहुत तंग कर रहा था, और वो था हैदर अली और टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य। अब हैदर अली और टीपू सुल्तान चाहते थे कि जो केरल की जो अपार संपत्ति है और समृद्धि है उसे, उस पर कब्जा करें, क्योंकि जो पोर्ट्स थे, जैसे मैंने कहा आपको कि 2000 साल से केरल जो है वो व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। तो पहले 1760s में, उसके बाद 1790s में टीपू सुल्तान की फौज जो पलक्कड़ गैप है वहां से नीचे आई, और उन्होंने उत्तर जो केरल है वहां पे बहुत लूटपाट मचाई, हजारों लोगों को बंदी बनाया गया, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, लोगों को कन्वर्ट किया गया। तो एक जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के जो इन्वेजन्स थे वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थे केरला के इतिहास में, और काफी कत्लेआम और लूटपाट हुई उस समय। तो धर्मराजा जो थे उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे ट्रावणकोर को प्रोटेक्ट करना है जो टीपू सुल्तान और हैदर, आई मीन हैदर अली और टीपू सुल्तान की फौज के खिलाफ, तो मुझे एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने जो इंग्लिश में हम ट्रावणकोर लाइंस कहते हैं, तो जो ट्रावणकोर की जो बॉर्डर थी वहां पे उन्होंने डिचेस बनाए, और जैसे आजकल के समय में जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाई जाती है, तो उस जैसे कि एक बहुत, मतलब ऑलमोस्ट कितने 100 किलोमीटर्स तक फैली हुई एक बॉर्डर थी विद डिचेस, प्लांट्स, बोल्डर्स। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अगर आप देखें कि दूसरे विश्व युद्ध में फ्रांस ने भी उसी, मतलब एक वैसा ही कॉन्सेप्ट किया था मैगनॉट लाइन करके, कि जब जर्मनी अटैक करेगी तो एक वॉल ऑफ डिफेंस होगी, या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख लीजिए। तो वैसे हम बोल सकते हैं दिस वाज द ग्रेट डिच ऑफ ट्रावणकोर, जो रियासत को रक्षा करने के लिए बनाया गया था, और ये काम कर गया।
बिकॉज जब 1790s में जब टीपू सुल्तान की बहुत बड़ी फौज ने ट्रावनकोर पर हमला किया, और एक्चुअली उसका कोई रीजन नहीं था, एक्चुअली ये सच बात तो यही थी कि टीपू सुल्तान को ट्रावनकोर को निगलना था, तो उन्होंने जब बहुत बड़ी फौज लेकर हमला किया, तब थैंक्स टू दीज सीरीज ऑफ डिचेस फोर्टिफिकेशंस एंड ऑल वो मैसूरी फौज धस गई उसमें, और फिर बाद में यू नो विच गेव ट्रावनकोर द टाइम कि आप अंग्रेजों को अंग्रेजों के पास जाके मदद मांग सके। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर पर हमला किया, टीपू सुल्तान को वापस जाना पड़ा और टीपू सुल्तान की बहुत बड़ी हार हुई, और जैसे कि हम आप जानते हैं फिर आगे चल के टीपू सुल्तान भी मारा गया युद्ध में, और फिर मैसूर वडियार राज परिवारों के पास आया। अब अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान ने अटैक किया था तब ट्रावनकोर पर को की मदद की थी और टीपू सुल्तान को हराया, टीपू सुल्तान का आधे से ज्यादा राज्य छीन लिया, बट अंग्रेज तो स्मार्ट व्यापारी दिमाग के थे, उन्होंने ना सिर्फ टीपू सुल्तान से पैसा लिया, उन्होंने ट्रावनकोर के राजा को भी बोला कि देखिए हमने आपको मैसूर के खिलाफ मदद की है, आपको इतना 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 पैसा देना पड़ेगा। जब उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आपको यू हैव टू बिकम अ वैसल, एक ट्रिब्यूटरी, आपको एक अधीन होना पड़ेगा ब्रिटिश साम्राज्य के, और राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अराउंड 1800 के आसपास ट्रावनकोर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ, अंग्रेजों ने अपना रेसिडेंट स्टेशन किया तिरुवनंतपुरम में, उनके ऑफिसर्स आने लगे और वो काफी मतलब एक्सप्लॉइट करने लगे ट्रावनकोर को, और जो उस समय जो रूलिंग नोबिलिटी हुआ करती थी और जो वॉरियर्स हुआ करते थे वो नायर कम्युनिटी के, ये जो नायर वॉरियर्स थे, और उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि जो ट्रावनकोर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो, और उन्हें ये भी पसंद नहीं था कि जिस तरह से अंग्रेज यहाँ पे आके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो 1802 और 1809 के बीच में वेलू थम्पी नाम के जो दीवान थे जिन्हें दलवा कहा जाता था लोकल भाषा में, तो वेलू थम्पी के लीडरशिप के अंडर एक बहुत बड़ा नायर रिवोल्ट हुआ, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि रेस्ट मुझे भारत के बाकी हिस्सों को पता नहीं है कि यहाँ पे ये जो एक बहुत बड़ा नायर अपराइजिंग हुआ था न सिर्फ ट्रावनकोर में बल्कि इवन कोची रियासत में भी, और अंग्रेजों को काफी शिद्दत करनी पड़ी थी, काफी मेहनत करनी पड़ी थी इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। 1809 में जो है वो रिवोल्ट क्रश हुआ, उसके कुछ ही साल बाद 1813 में जो स्वाति थिरुनल है वो ट्रावनकोर के राजा बने, और स्वाति थिरुनल जो है वो ट्रावनकोर के इतिहास में उनका एक महत्व है क्योंकि वो जो थे वो एक ग्रेट लिंग्विस्ट थे, वो ऑलमोस्ट 12 से 14 लैंग्वेजेस बोलते थे, एंड ही वाज अ ग्रेट कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोजर। ये माना जाता है कि उन्होंने कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में ऑलमोस्ट 400 कंपोजिशंस किए, और वो आज भी दक्षिण भारत में गाए जाते हैं बाय दीज क्लासिकल सिंगर्स। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो स्वाति थिरुनल है गद्दी पे आने के बाद जैसे कि सरस्वती, देवी सरस्वती ही त्रावणकोर में आकर वास करने लगी थी। उनके शासनकाल में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी हुई कि जैसे हम उत्तर भारत में जानते हैं जंतर मंतर जैसे मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाए थे, उसी तरह से जो स्वाति थिरुनल है उन्होंने ट्रिवेंड्रम ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की, और जो ब्रिटिश जो यूरोपियन जो ऑब्जर्वेटरीज थी जैसे कि टेलीस्कोप और उनकी जो लेटेस्ट उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो एक एस्ट्रोनॉमी का की पढ़ाई वहां पे हो ट्रावनकोर में, उसकी उसके लिए ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, आप प्लैनेट्स को स्टार्स को ऑब्जर्व कर सके, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आज भी ये ऑब्जर्वेटरी जारी है और यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंडर आती है। ना सिर्फ ये, इवन पब्लिक लाइब्रेरी जो तिरुवनंतपुरम की जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना भी श्री स्वाति थिरुनल ने ही की थी। उसके बाद जो ट्रावनकोर में है जो कई
राजा आए जैसे कि आइलम थिरुनल, मूलम थिरुनल, और उनके शासनकाल में यहाँ पे रबर का कल्टीवेशन शुरू होने लगा, मॉडर्न एक मॉडर्न सिस्टम शुरू होने लगा, प्रिंटिंग प्रेस आया, और एक उस समय एक जैसे हम बोल सकते हैं कि 1900s जैसे आने लगा, उस समय बहुत प्रोग्रेस ट्रावणकोर में आना शुरू हुआ। तो 1900s मतलब जो 20th सेंचुरी की शुरुआत में ट्रावणकोर के जो राजा थे वो थे मूलम थिरुनल। अब ट्रावणकोर राज परिवार में एक अलग सिस्टम से गद्दी चलती थी, जैसे कि राजस्थान बुंदेलखंड में राजा का बेटा राजा होता था, वैसे सिस्टम नहीं चलता था। यहाँ पे जो मामा है उससे भांजे को गद्दी जाती थी, और जो बहन है राजा की, जो बहन है वो महारानी होती थी। तो महाराजा होगा और उसकी बहन महारानी, और उस बहन के लड़के को गद्दी जाएगी। तो मूलम थिरुनल की कोई बहन नहीं थी, तो दो लड़कियों को गद्दी पर जो मतलब राज परिवार में अडॉप्ट किया गया, ये थी सेतु लक्ष्मी बाई और सेतु पार्वती बाई। ये जो दोनों लड़कियां जो थी वो कजिन्स थी, और जो फेमस, जो वर्ल्ड फेमस पेंटर हैं भारत से, राजा रवि वर्मा, उनकी ग्रैंड डॉटर्स थी वो, मतलब बेटी की बेटियां। और इन दो लड़कियों को लिया गया। अब एक्सपेक्टेशन ये था कि जो बड़ी बहन है सेतु लक्ष्मी बाई उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, बट क्या हुआ कि उन्हें लड़का नहीं हुआ, और जो छोटी बहन थी सेतु पार्वती बाई उनका बेटा हुआ चित्र थिरुनल। जब 1924 में मूलम थिरुनल का निधन हुआ, तो जो चित्र, जो सेतु पार्वती बाई है उनका जो बेटा महाराजा चित्र थिरुनल, वो ट्रावणकोर के आखिरी राजा बने। जब महाराजा चित्र थिरुनल 1924 में गद्दी पर आए तब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। तो उनके बिहाफ पे उनकी जो मौसी थी, मतलब बड़ी मौसी सेतु लक्ष्मी बाई, वो रीजेंट बनी, और उन्होंने कार्यकाल उनका संभाला जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रावणकोर में कास्टिज्म जो था वो काफी बड़े तादाद में था, मतलब उस समय इतना भयानक था कि जो सवर्ण लोग नहीं है उन्हें मंदिर में ना वो जा सकते थे, बल्कि इवन जो मंदिर में जाने वाले जो मुख्य सड़क है उस पर भी वो नहीं चल सकते थे। तो यहाँ पे काफी आंदोलन हुआ, काफी एजिटेशन हुआ, और फाइनली मतलब इनफैक्ट महात्मा गांधी को आके भी मतलब वो इन्वॉल्व हुए यहाँ के एजिटेशन में, और एक काफी एक टर्मोइल का पीरियड था जो 1920s का पीरियड था। फिर आगे चल के श्री चित्र थिरुनल है, उन्होंने एक अपना कार्यकाल संभाला, वो बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके टाइम पे एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ट्रावणकोर में हुए, यहाँ पे इंडस्ट्री काफी मात्रा में बढ़ाई गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन, मतलब सारे हिंदुओं को मंदिर में जाने का अधिकार उनके कार्यकाल में ही मिला। और इनफैक्ट ट्रावणकोर के इतिहास में ये जो टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन है उसे एक लैंडमार्क माना जाता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रावणकोर के जो दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, उन्होंने ट्रावणकोर को एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाया जा सकता है कि नहीं, ऐसी कोशिश की। इंटरेस्टिंग बात, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर ये जो बनता था उसके लिए जो यूरेनियम और थोरियम जो आता था वो ट्रावणकोर में बड़ी मात्रा में पाया जाता था। तो वो नेगोशिएट कर रहे थे जो ब्रिटेन है उसके साथ, अमेरिका है उसके साथ, कि क्या ट्रावणकोर को एक इंडिपेंडेंट राज बनाया जा सकता है कि नहीं। बट जो जनता थी उसकी ये इच्छा थी कि वो भारत को ज्वाइन करें, और ट्रावणकोर भारत का हिस्सा हुआ। कोचिन और ट्रावणकोर मिलाकर एक कोचिन ट्रावणकोर कोचिन यूनियन बनाया गया, जो आगे चल के केरल जो राज के तौर पे उभरा।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ट्रावणकोर भारत में विलीन हुआ तो राज परिवार को एक ऑप्शन दिया गया कि आप 300 मंदिर जो है उसके आप नॉमिनल हेड होंगे या पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको पसंद है। तो उन्होंने कहा हमें ये 300 मंदिर नहीं चाहिए, यू जस्ट गिव अस दिस पद्मनाभ स्वामी मंदिर एज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये अग्री किया गया। तो उसकी उसके बाद ही मतलब इवन 1947 के बाद ही जो राज परिवार है वो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल करता है, और आज भी जो भी उस मंदिर के साथ जो रिचुअल्स है वो फॉलो करते हैं और अपने आप को आज भी श्री पद्मनाभ दास मानते हैं। और जो ट्रावणकोर का जो राज परिवार है वो आज भी तिरुवनंतपुरम में रहता है, सारे जो मंदिर के रिचुअल्स हैं और एक जो कल्चरल लेगेसी है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये थी कहानी ट्रावणकोर रियासत की।